यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। उपायुक्त अमित कुमार ने गुरुवार को डीआरडीए सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। आज की बैठक में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति के अलावे मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की अद्यतन स्थिति की उपायुक्त ने जानकारी ली। इसके अलावे आंगनबाड़ी केंद्र में पेयजल सुविधा की भी समीक्षा की गई और आगामी 15 दिनों की अवधि तक शौचालय निर्माण कार्य करा लेने की नसीहत भी उन्होंने दी। शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने और धीमी गति पाए जाने पर सेविका और सहायिकाओं का मानदेय भुगतान भी स्थगित रखने का निर्देश दिया। इस अवसर पर उपायुक्त अमित कुमार ने आंगनबाड़ी क्षेत्रों में डायन कुप्रथा, अंधविश्वास, स्वच्छता, टीकाकरण, महिला शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध पंचायत प्रतिनिधियों के संग जागरूकता अभियान चलाए जाने पर बल दिया। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को तत्काल सरकारी भवनों में शिफ्ट कराने का निर्देश भी दिया। जबकि दैनिक प्रतिवेदन नहीं भेजने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिले के तरहसी और मनातू बाल विकास परियोजना को छोड़ सभी सीडीपीओ व महिला पर्यवेक्षिकाओं के वेतन पर तत्काल रोक लगाने का उपायुक्त ने निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी, डीपीआरओ देवेंद्र नाथ भादोड़ी, सदर सीडीपीओ सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।